पुराने लखनऊ में सड़क के किनारे एक शख्स बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसके जिस्म पर कई घाव थे तो वहीं मक्खियों के झुंड ने उसे घेर रखा था। लेकिन तभी मौके पर इलाके में ही रहने वाले एजाज और इमरान पहुंच गए। उन दोनों ने तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को दी। कुछ देर में ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन फिर पुलिस ने जो किया उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। ये तस्वीरें उसी इंसान की, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जमीन पर पड़ा हुआ है और इसके जिस्म पर कई जख्म हुए हैं। इलाकाई लोगों के मुताबिक किसी ने इसकी पिटाई की थी। इतना ही नहीं, देखने पर साफ पता चल रहा है कि ये शख्स मानसिक विक्षिप्त भी है। देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा लग गया। तभी मौके पर मौजूद एजाज और इमरान ने पुलिस को मामले की सूचना दे दी। कुछ वक्त में ही मौके पर कटरा बेगम बेग चौकी इंचार्ज संतोष कुमार और दीवान अर्शी पहुंच गए। पहले तो पुलिसकर्मियों ने सारा मामला समझा और उसके बाद जो किया उसे देखकर सभी हैरान रह गए थे। दरअसल चौकी इंचार्ज संतोष कुमार और दीवान अर्शी ने स्थानीय निवासी एजाज और इमरान के साथ मिलकर उस घायल शख्स को पानी पिलाया और फिर एम्बुलेंस 108 पर फोन करके मौके पर बुलाया। कुछ देर में ही एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। उसके बाद चौकी इंचार्ज संतोष कुमार और दीवान अर्शी ने उस घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। अमूमन पुलिस पर तरह तरह के इल्जाम लगते रहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में चौकी इंचार्ज संतोष कुमार और दीवान अर्शी ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।